शिल्पा शेट्टी कुंद्रा, शर्ली सेतिया और अभिमन्यु दसानी की फिल्म निकम्मा सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। फिल्म में अभिमन्यु दसानी और शर्ली सेतिया ने शिल्पा के साथ काम किया है। फिल्म की कहानी एक्शन और रोमांस से भरी हुई है। अब देखते हैं कि इस फिल्म को देखने पहुंची ऑडियंस का क्या कहना है। बोलने देखने के बाद मेरे को यही फील आ रहा है यार, मैं भी कहीं निकम्मा नहीं हो जाऊँ। रियली बता रहा हूँ, टोटली पैसा वेस्ट मूवी है ये। मतलब कि ऐसे ऐसी मूवी पैसा वेस्ट होगा तो यार क्या होगा लाइफ में, मज़ा नहीं आया। MCA का रीमेक है ये मूवी, नेचुरल स्टार नानी, इनके अंदर तो नानी का एक झलक भी नहीं दिखा। रियली बता रहा हूँ, मतलब बंदे ने मेहनत किया, ऐसा नहीं बोल रहा मैं ट्रोल कर रहा हूँ इनको, बंदे ने मेहनत किया है लेकिन जैसा होना चाहिए था वैसा कर नहीं पाया वो। जी हाँ, वैसे 14 साल के बाद उनका एक मूवी आई थी हंगामा 2, जो कि OTT पर आई थी, लेकिन बड़े स्क्रीन के लिए उनका कमबैक ही है। तो उनका काम ठीक है, उन्होंने अपना परफॉर्मेंस अच्छा दिया है, जैसे पिछले फिल्मों में वो करती है ना, सेम टू सेम किया। लेकिन जो कॉन्सेप्ट है मूवी का, वो सबसे फर्स्ट नंबर की रीमेक है और पब्लिक को आजकल रीमेक पसंद नहीं आ रही है, सबको पता है। रीमेक के नाम पे पब्लिक देखो क्या आ रही है। म्यूजिक ठीक है, निकम्मा सॉन्ग अच्छी है, वो भी फर्स्ट में डालने के लिए सही रहता। अगर फर्स्ट में डालते जैसे ही मूवी स्टार्ट होती है आप डालो, उस वक्त तो पब्लिक को देखने में मज़ा भी आता है, लेकिन यार आप एंड में डाल रहे हो जब पब्लिक जब बाहर आ जाती है सारी, तो मज़ा नहीं आया। बहुत ही गॉर्जियस, बहुत ही स्टनिंग, बहुत ही ग्रेसफुल, एलिगेंट लगी हैं। हालांकि उनकी जैसी पोटेंशियल की एक्ट्रेस से और अच्छा रोल करवाया जा सकता था, तो उनका कुछ रोल ऐसा है नहीं जिसमें वो अपने आप को ज़्यादा एक्सप्रेस कर पाएँ, तो उस तरह से मुझे लगा कि यू नो उनसे और अच्छा मतलब उनका किरदार हो सकता था। साबिर खान का डायरेक्शन कैसा लगा? साबिर खान का, हमने बागी उन्होंने डायरेक्ट की थी और इससे पहले हीरोपंती, कमबख्त इश्क, और ये मूवी से भी मुझे ट्रेलर बहुत पसंद आया था। पर जितना मतलब मुझे एक रीज़न अगर ये मूवी देखने का लगा, वो है अभिमन्यु दसानी। मतलब वो इतने टैलेंटेड हैं, एक्शन सीन्स हो या डांस हो या एक्टिंग भी अच्छी खासी कर लेते, बहुत स्पॉन्टेनियस हैं, तो मुझे उनकी एक्टिंग बहुत अच्छी लगी। अभिमन्यु दसानी और शर्ली सेठिया की केमिस्ट्री कैसी लगी? केमिस्ट्री अच्छी है, और शर्ली सेठिया भी, वो सिंगर भी हैं, तो वो दोनों की केमिस्ट्री अच्छी, वो बहुत कॉन्फिडेंट लगी शर्ली, और केमिस्ट्री भी अच्छी है। रोमांटिक सीन्स बहुत अच्छे, वो पहला हाफ बहुत अच्छा लगा मैं उनका रोमांस दिखाया, लेकिन सेकेंड हाफ में जो अभिमन्यु सिंह जो नेगेटिव कैरेक्टर है वो आ जाते हैं, और प्लॉट मुझे थोड़ा सा ऐसे लगा कि ऑफ ट्रैक चला गया, मतलब कुछ समझ में नहीं आता सेकेंड हाफ, मतलब क्यों हो रहा है। अगर रोमांस ही रखते तो अच्छा था, मतलब वो वायलेंस वगैरह लाए, हालांकि वायलेंस सीन्स भी एक्शन सीन्स बहुत अच्छे से उन्होंने मतलब किए हैं अभिमन्यु ने। अभिमन्यु फुल पैकेज है, मतलब वो ही हैज़ अ वेरी गुड फिजिक, एक्शन सीन्स अच्छे करते हैं, रोमांस में अच्छे हैं, तो इज़ अ कम्प्लीट पैकेज आई थिंक, इज़ वेरी कॉन्फिडेंट। यह मूवी तो क्वाइट एंटरटेनिंग है, काफ़ी मज़ा आया, एंड आई थिंक शर्ली सेठिया की डेब्यू पिक्चर है तो बहुत ही क्यूट थी, उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया, एंड शिल्पा शेट्टी इज़ एवरग्रीन यार। आई मीन आई वॉज रियली हैप्पी विद द मूवी इन जनरल। ओवरऑल डायरेक्शन वाइज अच्छी लगी, एक्टिंग में शर्ली को पहली बार थिएटर में देखा अच्छा लगा, एंड एक्शन सीक्वेंस भी बहुत अच्छा था तो अच्छा लगा, एंड सॉन्ग्स भी अच्छे थे, लाइक टाइटल सॉन्ग अच्छा था। शिल्पा शेट्टी 14 इयर्स बैक जो है कमबैक कर रही है, बहुत टाइम बाद देखा उनको थिएटर में, अच्छा लगा बड़े पर्दे पे देखने में, और उसके साथ साथ शर्ली का भी आई गेस पहला डेब्यू मूवी था ये एज अ एक्टर, वो भी अच्छा लगा। शी इज अ गुड सिंगर बट एक्टिंग में भी इट्स नाइस। या अरे सुपर, निकम्मा क्या इस दिल ने, लाइक उसका सॉन्ग इतना सेक्सी है, और हमारे सारे एक्टर्स शिल्पा मैम, शिल्ले शेट्टी और अभिषेक सो, अभिषेक और शर्ली शेट्टी की केमिस्ट्री कैसी लगी? सेक्सी, वो क्यूट क्यूट वाला होता है ना, क्यूट एंड प्रिटी काइंड ऑफ वाला, वो अच्छा था, काफ़ी अच्छा, इनका इनकी जोड़ी बहुत अच्छी लगी। यस, हाँ, सो ऑफकोर्स आई एम वेटिंग, एक्चुअली मैं उनकी डांस की और एक्टिंग की फैन नहीं हूँ, बट या मुझे वो अच्छी लगती है, स्क्रीन पे उनको देखना अच्छा लगता है, सो यस आई लव। एंड साबिर खान का डायरेक्शन कैसा लगा? वो तो अच्छा है, वो सीरियसली अच्छा है, काफ़ी सारे सीन्स हैं जो बहुत बहुत अच्छे हैं, सो यस एवरी थिंग इज सॉर्टेड, एवरी थिंग इज सुपर कूल। मूवी बहुत अच्छी लगी सर। किसका काम सबसे ज़्यादा अच्छा लगा आपको? काम तो अपने जो हीरो है, अपना भाई का नाम क्या है, नाम वो अपने मैंने प्यार किया मूवी की नहीं नहीं भाई बहुत, लेकिन पिक्चर बहुत अच्छा जबरदस्त बना है, स्टोरी बहुत अच्छा लगा उनका मेरे को। हाँ, और शिल्पा शेट्टी का काम कैसा लगा था? मैडम का भी बहुत अच्छा काम है, उनका तो बचपन से फ़ैन हूँ मैं मैडम का। ओवरऑल मूवी बहुत बेस्ट लगी मुझे, और वन टाइम नहीं कह सकते, सेकंड टाइम भी आप देख सकते हैं, मतलब बीच बीच में थोड़ा थोड़ा पंचेस हैं, कॉमेडी है, तो आप बोर नहीं होंगे। मतलब जैसे माइंडसेट लग रहा था कि स्टार्टिंग में यार नए बंदे की मूवी है, मज़ा आएगा नहीं आएगा, लेकिन मूवी में मज़ा आया, सेकंड टाइम देख सकते हैं। शिल्पा शेट्टी 14 साल के बाद कमबैक कर रही हैं सर, वो सिल्वर स्क्रीन पे कैसी लगी? बहुत ऑसम, बहुत ऑसम, उनकी स्माइल, उनकी एक्टिंग ऑसम एकदम।
सर अभिमन्यु दसानी और शर्ली सेठिया की उनकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी थी। कुछ जगह था कि डायरेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से कह सकते हैं कि थोड़ा सा वीक था, बाकी उनकी एक्टिंग अच्छी थी। साबिर खान का डायरेक्शन मतलब एक्शन तो हम जानते हैं कि बहुत अच्छे से डायरेक्ट करते हैं, बट नहीं एक्शन अच्छे थे, डायरेक्शन में कुछ चीज़ें हजम नहीं हो रही थी, लगता है कि यार नॉर्मल ऐसा नहीं है, बट अच्छा था ओवरऑल। म्यूज़िक की बात की जाए तो म्यूज़िक कैसा लगता है? म्यूज़िक अच्छा था, कुछ ऐसा नहीं था लेकिन कि जो आपको माइंड में सेट हो जाए कि आप गुनगुनाते चले जाएं। पिक्चर का नाम है निकम्मा, पिक्चर है निकम्मी, कुछ दम नहीं है पिक्चर में। कोई भी फील्ड में कुछ भी नयापन नहीं है, सब घिसप घिसी पिसी पिक्चर है और रीमेक है ना MCA की। शिल्पा शेट्टी का काम कैसा लगा था? ठीक है, एवरेज है। बहुत टाइम के बाद आई है। निकम्मा किया इस दिल ने, इस दिल ने किया है निकम्मा। सर शिल्पा शेट्टी 14 इयर्स के बाद कमबैक करी है, तो सिल्वर स्क्रीन पे कैसी लगी आपको और क्या? मैं तो मिस कर रहा था उन्हें, मैंने 10 में देखा था उनका एक्शन, वो गन लेके चल रही है, पीछे टैटू बना हुआ है, क्या स्लैश है। और यहाँ पे जब वो आती है ना, जब उनका एक्शन आता है, सीटी बजाने का मन कर गया। मसाला मूवी है यार, दिमाग मत लगाओ प्लीज। देखो फिल्म हमें हंसाती है, कुछ हमें रुलाती है, मसाला मूवी है, सीटी बजाने के लिए है, जाओ जाके बजाओ। ओवरऑल